हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सुनील कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NCDX बाजार में प्रमुख जिंसों के भाव 13 मार्च 2021 को क्या देखने को मिल रहे हैं, तो कौन से जिंसों में तेजी रहे हैं, कौन से जिंसों में नरमी रहे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो अपलोड कर तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जीरा, धनिया, सरसों, सोयाबीन में बम्पर तेजी देखने को मिल रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें पर सोयाबीन की, तो बाजार को यहाँ पर 5360 रुपये अधिकतम भाव देखने को मिला है, 5400 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव की, तो दोस्तों 5345 रुपये देखने को रहे। और तेजी मंदी की बात करो तो यहाँ पे 61 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे सोयाबीन के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें पर अरंडी के बाजार भाव में, तो बाजार खुला 4672 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला 4710 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव तो 4672 रुपये देखने को रहे। और तेजी मंदी की बात करूँ तो यहाँ पे 70 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे अरंडी के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में हम बात करें पर चना के बाजार भाव में, तो बाजार खुला 5101 रुपये पे, अधिकतम भाव देखने को मिला है 5157 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव के, दोस्तों 5091 रुपये देखने को रहे। और तेजी मंदी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर 74 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर चना के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें पर दोस्तों जौ के बाजार भाव में, तो बाजार खुला 1570 रुपये पर, अधिकतम भाव देखने को मिला 1570 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव के, तो 1570 रुपये देखने को रहे। और तेजी मंदी की बात करूँ तो आप 28 रुपये नरमी के साथ यहाँ पर जौ के बाजार भाव देखने को मिले हैं। बात करें पर धनिया का बाजार भाव, तो बाजार को 7080 रुपये पर, अधिकतम भाव देखने को मिला 7118 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव के, तो दोस्तों 7030 रुपये देखने को रहे। और तेजी मंदी की बात करूँ तो आप 36 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर धनिया का बाजार भाव देखने को मिले। बात करें ग्वार गम के बाजार भाव में, तो बाजार खुला 5970 रुपये पर, अधिकतम भाव देखने को मिला 6021 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव तो 6073 रुपये देखने को रहे। और तेजी मंदी की बात करूँ 26 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर ग्वार गम के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें यहाँ पर ग्वार सीड के बाजार भाव, तो बाजार खुला 3786 रुपये पर, अधिकतम भाव देखने को मिला 3824 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव तो 3786 रुपये देखने को रहे। और तेजी मंदी की बात करें तो यहाँ पर 17 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर ग्वार सीड के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें पर जीरा के बाजार भाव में, बाजार खुला 13950 रुपये पर, अधिकतम भाव देखने को मिला 14000 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव 13890 रुपये देखने को रहे। और तेजी मंदी की बात करें तो 130 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर जीरा के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें कपास के बाजार भाव में, तो बाजार खुला 1262 रुपये, अधिकतम भाव देखने को मिला 1265 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव तो 1260 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करें तो यहाँ पर 2 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर कपास के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें नेक्स्ट में यहाँ पर सरसों के बाजार भाव में, तो बाजार खुला 5820 रुपये पर, अधिकतम भाव देखने को मिला 5877 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव 5794 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करो दोस्तों तो यहाँ पर 59 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर सरसों के बाजार भाव देखने को मिले। आई किसान भाई बात कर रहे थे यहाँ पर रिफाइंड सोया तेल के बाजार भाव में, तो बाजार खुला 1290 रुपये पर, अधिकतम भाव देखने को मिला 1306 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव तो दोस्तों 1272 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करें तो आप 17 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर रिफाइंड सोया तेल के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें नेक्स्ट में हल्दी के बाजार भाव में, तो बाजार खुला पर 8720 रुपये पर, अधिकतम भाव देखने को मिला 8768 रुपये। बात करें अपने न्यूनतम भाव के, तो दोस्तों यहाँ पर 8502 रुपये देखने को रहे। और तेजी मंदी की बात करें तो आप 26 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर हल्दी के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें अपन नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों नरमा के बाजार भाव, तो बाजार खुला 5970 रुपये पर, अधिकतम भाव देखने को मिला 6020 रुपये। बात करें पर न्यूनतम भाव के दोस्तों 5880 रुपये देखने को रही हैं। वहीं पर दोस्तों तेजी मंदी की अगर बात कर लो तो यहाँ पर 95 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर नरमा के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें नेक्स्ट में यहाँ पर ग्वार गोल्ड रेट के बारे में, तो दोस्तों 10 ग्राम 43710 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिले। वहीं पर दोस्तों आज यहाँ पे 180 रुपये की गिरावट भी देखने को मिले 22 कैरेट में। बात करें पर 24 कैरेट के बारे में, तो 10 ग्राम पर 44710 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिले। वहीं पर दोस्तों 180 रुपये की गिरावट भी देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थी आज के NCDX कमोडिटी बाजार के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे और जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों आप लोग के मन में जो भी सवाल होते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या दोस्तों नीचे दिए गए वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, या दोस्तों फेसबुक का भी लिंक है, उस लिंक पर जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं, या दोस्तों वेबसाइट पर जाकर अनेक भाव जिन्सों के भाव वहाँ पर जाके जान सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ गया। मिलते हैं आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।